नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मुकेश सहनी सदन में बार बार घिर जाते हैं। सुबह में सोकर उठे तो उन्हें पता चला कि उनके ऊपर 5 क्रिमिनल केस हो गया, और साथ ही साथ मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जैसे कोई साढ़ को देखकर, साढ़ जो है लाल कपड़ा को देखकर भड़क जाता है, वैसे ही कुछ लोग मुझे देखकर भड़क जा रहे हैं। सदन में ये बातें कही मुकेश सहनी ने। दरअसल मुकेश सहनी को लेकर फिर एक बार आज हंगामा हो गया। मुकेश सहनी पर फिर से एक बार टिप्पणी कर दी तेजस्वी यादव ने और कहा कि ये रिचार्ज कूपन है, इनका कूपन रिचार्ज होगा कि नहीं, ये रिचार्ज होंगे कि नहीं, ये पता नहीं है। दरअसल मुकेश सहनी विशेष टारगेट पर हैं आरजेडी के, ऐसा मुकेश सहनी भी मान रहे हैं, क्योंकि आज जो बयान दिया उन्होंने सदन में, उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं जो एक कुछ खास लोग जो है, एक पार्टी के लोग जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। सीधे सीधे तौर पर अगर कहें तो तेजस्वी यादव की पार्टी उनके पीछे पड़ी हुई है। जब भी कुछ भी खड़े होते हैं कहने के लिए तो उनकी पार्टी उन्हें घेरने की कोशिश करती है। तो सदन में आज मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा, पहले सुनिए। दरअसल ये हंगामे के बाद मुकेश सहनी अपने दिल की बात सदन में कहना चाहते थे, तो विधानसभा अध्यक्ष ने मौका दिया उन्हें। उसके बाद मुकेश सहनी क्या बोले, सुन लीजिए जरा। मंत्री, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं एक रोज सो के उठा, पेपर में मैंने देखा तो मेरे नाम पे 5 क्रिमिनल केस था। मैं देख के हैरान हो गया कि ये कैसे है, वो भी क्रिमिनल केस। तो मुझे पता चला कि चुनाव के समय में कहीं पे हमारे पार्टी के या वर्कर के पदाधिकारी के द्वारा हमारे ऊपर केस हो गया। तो मैंने तो कोई जुर्म कभी नहीं किया, लेकिन क्रिमिनल केस के नाम पे 5 मेरे नाम पे है। तभी हमारे नेता, विरोधी दल के नेता जी इस तरीके से बोल रहे हैं कि केस 66% दागी हैं। तो कहीं ना कहीं सही से जानकारी उस चीज को पकड़ना चाहिए। मैं ये बोलने के लिए मैं उठा था, लेकिन एक और मेरे पास तकलीफ, सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि मैं पहले सुनता था कि सांड जो होता है लाल कपड़ा देख के भड़कता है। मैं जब भी कोई बात को रखने के लिए उठता हूं तो मुझे देख के इस तरीके से लोग क्यों भड़क जाते हैं। तो मुझे इस बात को थोड़ा सा, कभी भी हमें इस तरीके से जब भी, तो भाई पीठ में खंजर भूक के उसने भेजा, आज देख देख के उसको तकलीफ क्यों हो रहा है। अब अजय कुमार, तो सुन लिया आपने कि मुकेश सहनी कह रहे हैं कि वो जब सुबह में सोकर उठे, दरअसल वो चुनाव के वक्त की बात कर रहे हैं, तो देखा उन्होंने कि उनके ऊपर 5 क्रिमिनल केस हो गया। मुकेश सहनी ने आज तक केस मुकदमा नहीं झेला था, तो चुनाव के दौरान उन पर केस किया गया। दरअसल उनकी पार्टी की तरफ से कुछ कुछ गलतियां हुई थी, उसी को लेकर केस किया गया। ये सफाई दे रहे थे मुकेश सहनी, तो उस दौरान हंगामा हुआ और उसके बाद उन्होंने 66% दागी की जो बात की उस पर सफाई देते हुए कहा कि लोगों को समझना चाहिए, विपक्ष के लोगों को, कि किस तरह के दाग हैं। दाग बता रहे थे वो। दरअसल मुकेश सहनी कह रहे थे कि मैंने आज तक कभी कोई केस मुकदमा नहीं झेला है, चुनाव के वक्त जरूर मेरे ऊपर 5 क्रिमिनल केस हो गए जब मैं सोकर उठा, तो अखबार में पता चला कि मेरे ऊपर केस हो गया। तो कुछ इस तरह के मामले हैं, दागी की वो परिभाषित कर रहे थे। दरअसल दाग जो लगे हैं मंत्रियों पर, बार बार दाग लगने की बात तेजस्वी यादव करते रहे हैं कि नीतीश सरकार में 66% मंत्री दागी हैं। तो मुकेश सहनी इस पर सफाई दे रहे थे कि किस तरह के दाग हैं मंत्रियों पर, अपना उदाहरण देकर। पर वो गिर गए विपक्ष के बीच और फिर से एक बार हंगामा हो गया। तो बाद में फिर से उन्होंने ये सफाई दी और कहा कि विपक्ष के लोगों को ये समझना चाहिए कि दाग किस तरह के हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं तो विपक्ष के लोग, आरजेडी के लोग भड़क जाते हैं, वैसे ही भड़क जाते हैं जैसे कि लाल कपड़ा को देखकर सांड भड़क जाता है। उस तरह की बात सदन में मुकेश सहनी ने कही। वो दरअसल उस हंगामे के बाद वो बोल रहे थे, खड़े हुए थे, उन्होंने इजाजत ली थी विधानसभा अध्यक्ष से, विधानसभा अध्यक्ष ने थोड़ा मौका दिया उन्हें, तो उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली तेजस्वी यादव पर, उनकी पार्टी पर, और कहा कि लाल कपड़ा देख के जिस तरह से सार भड़कता है, उसी तरह मुझे देखकर इनकी पार्टी भड़क जा रही है, तेजस्वी यादव की पार्टी। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा, पीठ में खंजर भोंका उन्होंने, और जब पीठ में उन्होंने खंजर भोंका तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया, तो अब उन्हें तकलीफ क्यों हो रही है। इस तरह की बात फिर से एक बार मुकेश सहनी ने सदन में कह दिया।
और साफ साफ तौर पर तेजस्वी यादव को सुना दिया कि पीठ में मेरे पीठ में खंजर भोंकने का काम तो आपने किया था, और जब खंजर आपने भोंका तो मैंने आपको छोड़ दिया, आपका साथ छोड़ दिया, तो आपको तकलीफ और आपकी पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही है? इस तरह की बात मुकेश सहनी ने कही। दरअसल विधान परिषद की बात करें, दरअसल MLC हैं मुकेश सहनी, तो विधान परिषद में भी आपको बताया, हमने दिखाया था पिछले दिनों कि किस तरह से मुकेश सहनी को घेर रहे थे बार बार RJD के सदस्य हैं, खासकर सुनील कुमार सिंह और सुबोध राय के निशाने पर बार बार आ रहे थे मुकेश सहनी सदन के अंदर। तो उस दौरान जो BJP MLC हैं डॉक्टर नवल किशोर यादव ने साफ साफ कहा भी था कि मुकेश सहनी को निशाना बनाया जा रहा है RJD के द्वारा। मुकेश सहनी ने दरअसल RJD को जब से छोड़ा है, RJD का साथ छोड़ा है, महागठबंधन का साथ छोड़ा है, तो वो निशाने पर है तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के। इस तरह की बात विधान परिषद में देखने को मिली थी, और आज विधानसभा में जब मुकेश सहनी मौजूद थे मंत्री के तौर पर जवाब देने के लिए, तो एक बार फिर वो घिर गए और उन्होंने फिर अपनी दिल की भड़ास भी निकाली और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुना दिया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।